G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य न होते हुए भी भारत को विशेष आमंत्रण मिलना भारत के बढ़ते दौर विश्व में महत्व का परिचायक है। जिस गर्मजोशी से तमाम देशों के राजनयिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, बातचीत की, वह बताता है कि दुनिया में भारत की स्थिति कितनी मजबूत हुई है। जर्मनी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने दो सत्रों में हिस्सा लिया। पहले ही G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से भारत को G7 के शिखर सम्मेलनों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाना भारत के बढ़ते कद और वैश्विक महत्व का परिचायक है। प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा में ये एक बार फिर साफ दिखा, जब दुनिया के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी से अपनी दोस्ती और गर्मजोशी का इजहार करते हुए नजर आए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हो, तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री दुनिया में बढ़ती भारत की साख बयां कर रही थी। G7 के दौरान दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रुप फोटो खिंचवाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जो भारत की बदलती इमेज का आईना है। प्रधानमंत्री मोदी जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से हंस हंस कर बात कर ही रहे थे कि पीछे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर पूरी गर्मजोशी के साथ उनसे बातचीत करने लगे। एक और ध्यान खींचने वाली तस्वीर आई जहां प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो आपस में गले मिले और समूह फोटो के बाद देर तक गुफ्तगू करते दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के दो सत्रों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला के नेतृत्व में विकास हो गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता पर G7 सत्र को संबोधित करते हुए इन क्षेत्रों में भारत के अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रमुख उपायों की चर्चा की, जिनमें उर्वरकों की उपलब्धता, भारत की कृषिगत विशेषज्ञता के उपयोग की व्यवस्थित प्रणाली, मोटे अनाज और वैकल्पिक खेती जैसे विकल्प शामिल हैं। On gender equality, Prime Minister spoke about India's shifting approach from women's development to women-led development. India's contribution towards ensuring food security of vulnerable countries and in our neighborhood in particular. सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की, आपसी और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ मुलाकात के दौरान भारत जर्मनी के संबंधों को धरती और लोगों की भलाई को देखते हुए और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री की मुलाकात इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ भी हुई। दोनों देशों ने समग्र संबंधों को बढ़ाने, खासतौर पर व्यापार को बढ़ावा देने पर द्विपक्षीय चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने चाय पर विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर उन्होंने चर्चा की। दोनों देशों ने व्यापार और पीपल टू पीपल करंट को लेकर भी चर्चा की। जर्मनी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार अभिनंदन हुआ। लोगों की गर्मजोशी अथाह, जुनून ऐसा कि बस मोदी मोदी का उद्घोष। प्रधानमंत्री का सधा अंदाज और लोगों के उत्साह ने ऐसा समा बांधा कि म्यूनिक में भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर जीवंत हो उठी। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दुनिया देख चुकी है कि भारत जो कहता है वो करता है। ये सिर्फ अभी की बात नहीं, हमेशा से ऐसा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इसी पक्ष को तमाम वैश्विक मंचों पर पूरे दमखम और संतुलित कूटनीति के साथ रखा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक मानवीय विकासशील देशों के मुद्दों और चिंताओं की भी सशक्त आवाज बनकर भारत उभरा है। एक दृढ़, सशक्त और कुशल नेतृत्व में भारत को जिस तरह से G7 जैसे मजबूत मंचों पर विशेष तवज्जो मिल रही है, उससे ये एक बार फिर
स्पष्ट हो जाता है कि कोरोना काल के बाद तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका और अहम होती जा रही है।